तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे रेंज की फॉर्मेटिंग के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि रेंज को कैसे कॉल करते हैं और रेंज को कैसे सिलेक्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रेंज को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है सर? ठीक है जी। और साथ में कुछ और चीजें ही बताएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ हेडिंग्स है, नेम हो गया, रोल हो गया, मार्क्स हो गया। अब मुझे इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, किसकी? फॉर्म की। तो क्या क्या चीजें हम करेंगे, चलिए इसी बारे में हम आपको डिस्कस करते हैं। इसमें इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट, और फिर यहां हम देते हैं रेंज। लोकेशन से आपको कहां चाहिए? A1 से C1, A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट, और फॉन्ट में कौन सा चाहिए तो डॉट कलर। फॉर्म का कलर इक्वल टू हमने बोल दिया वीवी रे, तो इसमें कौन कौन से कलर दे सकते हैं? देखिए फॉन्ट में ही नहीं, कलर कहीं भी आप कलर देते हैं तो कलर डालने का सेम तरीका होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वीवी रेड, वीवी ग्रीन, वीवी श्याम, मजेंटा, ये चीज आप डाल सकते हैं इसको, राइट? लेकिन एक और तरीका है कलर डालने का, वो क्या है? डॉट कलर ही कर दीजिए इक्वल टू RGB, और उसमें आप रेड ग्रीन एंड ब्लू का नंबर डाल दीजिए। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि ये रेड ग्रीन ब्लू का जो नंबर आपने डाला है, ये नंबर मुझे कैसे पता चलेगा? आरजीबी में जो रेड ग्रीन ब्लू का जो नंबर होता है 0 से 255 के बीच में होता है, और इसको पता करने के लिए आप सिंपल क्या करें, जो नॉर्मली कलर अप्लाई करते हैं उसी कलर में चले जाएं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी कलर अप्लाई करना हो, मोर कलर में आते हैं, कस्टम पे, या जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है ना, 155, 214, 122, ये तरीका आप डाल सकते हैं। दूसरा एक और होता है इसमें, आरजीबी के जगह पे अगर आप डालते हैं तो कलर इंडेक्स इक्वल टू नंबर, 0 से लेके 56 के बीच में एक कलर कोड का नंबर होता है, ठीक है सर? आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा कौन से कलर का कौन सा ये है, तो उसके लिए आपको वीवीए हेल्प पे चले जाइए, वहां पे कलर इंडेक्स नंबर सर्च कीजिए, आपको वहां पे पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं यूज कर रहा हूं कलर इक्वल टू वीवी ग्रीन, ओके। फिर रेंज मुझे इसका A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट, और फॉन्ट डॉट साइज भी देना है, साइज क्या होना चाहिए? हमने बोला यहाँ 14 होना चाहिए। तो वापस रेंज A1 से लेके C1 डॉट फॉन्ट, और नेम कौन सा फॉन्ट अप्लाई करना है तो यहाँ पे एरियल। अब यहाँ पे एक और बहुत सारी चीजें देने हैं हमें, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा ये है फॉन्ट तक का जो पार्ट है तो मुझे टाइप करना पड़ रहा है, तो कि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे मेंबर अप्लाई करने,
और उस सब्जेक्ट को आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है सर। कैसे करेंगे इसका तरीका और क्या है? तरीका एक सिंपल है कि आप या मैं एक लाइन यहां विथ कमांड डाल और फिर यहां फॉन्ट से मैं तोड़ देता हूं डॉट यहां पे साइज इक्वल टू 40 डॉट नेम इक्वल टू डॉट अंडरलाइन इक्वल टू डॉट बोल्ड करना है तो बोल्ड नहीं कर जो जो करना है वो डालते जाइए इटैलिक भी करना है इक्वल टू ट्रू या फॉल्स तो डिस अप्लाई करना है तो फॉल्स और जब पूरा खत्म हो जाए तो यहां पे लिख दीजिए एंड बिल। ठीक है गैरी जी। हाँ जी सर। तो आप इसमें फॉन्ट अप्लाई करना सीख गए और साथ में सीख गए विथ कमांड। विदाउट इसमें नहीं की। इसको यहां से रन कीजिए तो देखिए यहां पे हमारे एक्सेल में अप्लाई है। फॉन्ट के बाद अगर मान लीजिए आपको इसकी बैकग्राउंड कलर करनी तो क्या करेंगे? तो जिस सेल को करना है उस सेल का पूरा एड्रेस आप यहां लिखें स्क्रीन A1 से लेके C1 इंटीरियर इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड जो भी वीवी का जो भी आपका कलर कंसेप्ट मैंने बताया है आपको वो डाल सकते हैं। इंटीरियर डॉट कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसे अगर मान लीजिए आपको बॉर्डर अप्लाई करना हो तो मैं दिया यहाँ पे रेंज A1 से लेके C10 डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू एक्सेल कंटिन्यूस या 1 कर दीजिए ये आपको देखिए आपका बॉर्डर यहां अप्लाई। लेकिन क्या होता है कि बॉर्डर में तो कई पार्ट है ना तो मैं एक बार माइक को रिकॉर्ड करके दिखाता हूं कि बॉर्डर कैसे अप्लाई किया जाता है। रिकॉर्डिंग में आपको सब कुछ यहां दिख जाएगा। ये हमने लिया अप डाउन लेफ्ट राइट ये हमने अप्लाई कर दिया। हमने इस कोड को स्टॉप कर दिया। यहां देखिए जब आप कलर अप्लाई अगर मान लीजिए जब भी कोई बॉर्डर अप्लाई करते हो और सीधे बॉर्डर्स लिख दिया तो वो ओवरऑल जितने भी होंगे वो सारे अप्लाई हो जाएंगे। दूसरा अगर आपको कोई पार्ट अप्लाई करना है तो ब्रैकेट में दिखा आपको इसको कॉपी करता हूं या इधर ब्रैकेट में एक्सेल डाउन करना अप करना एक बॉटम करना लेफ्ट करना राइट करना टॉप करना हॉरिजॉन्टल करना वर्टिकल करना जो आप लेना चाहते हो वो आप यहां ले सकते हैं। ये आपका अप्लाई सिलेक्टेड और लाइन स्टाइल 1 के जगह पे बहुत सारे डैश डैश है एक्सेल कंटिन्यूस दिख रहा है दोनों एक ही जैसा होता है। अब मान लीजिए मुझे डैश अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक फॉर्मेट सेल यहाँ पे डॉट डॉट ले लिया ठीक है और फुल अप्लाई कर। अब देखिए यहाँ एक्सेल डैश लाइन स्टाइल
डैश। समझ में आ रहा है कि नहीं सर, आ रहा है आपको? हाँ जी सर। देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो विथ कमांड क्यों लगा थे? समझ में आ गया, क्योंकि मुझे सिलेक्शन डॉट बॉर्डर पे और इस पे कई सारे पार्ट अप्लाई करने हैं, इसलिए इसने विथ लिया हुआ। आउटलाइन स्टाइल एक्सेस कंटिन्यूअस ले लिया। कलर इंडेक्स मतलब कि कलर क्या करना है, तो ऑटोमेटिक कलर ले लिया, अदरवाइज यहाँ पे आप अपना कलर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, और ये तीनों थर्ड इसकी जरूरत नहीं होती, बता दीजिए। हाँ, ये था बेड्थ एक्सल थीन मतलब कि पतला चाहिए, थीक मतलब मोटा, थीन थीक होता है। ठीक है, ओके, मोटा करना है तो थीक, पतला करना है तो थीक। तो जिधर से अप्लाई करना है उधर से अप्लाई कर सकते हो। तो बॉर्डर समझ में आ गया आपको? हाँ जी। अब बॉर्डर के बाद हम बात करते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट को भी रिकॉर्ड करके मैं समझा देता हूँ, सिंपल। देखिए अलाइनमेंट में दो चीज होता है, जैसे कि ये जो आप ऊपर देखते हैं ना, ये आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, दो अलाइनमेंट होता है। वर्टिकल अलाइन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या चाहिए, एक्सल राइट लेफ्ट या सेंटर, और यहाँ पे मिडल एक्सल बॉटम मिडल तीन होता है यहाँ पे, या तो आता आपका अपर बॉटम मिडल, सॉरी मिडल एंड बॉटम। तो क्या करना है वो यहाँ डालिए, उसके बाद आपको रैप टेक्स करना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, ओरिएंटेशन देना है कितना डिग्री पे घुमाना है, इंडेंट देना है नहीं देना है, देना है तो कितना देना है प्लस माइनस नहीं, शिंग फिट करना है कि नहीं करना है, मर सेल करना है कि नहीं करना है। तो ये इसमें से जो जो चीज आपको करना है वो आप सिंपल सा सिलेक्शन पे या रेंज पे देते चले जाइए। ओके, क्लियर है? हाँ जी। डाउट इसमें? नहीं नहीं। तो आपने फॉन्ट अप्लाई करना सीख लिया, आपने बॉर्डर अप्लाई करना सीख लिया, आप बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना सीख गए, और आपने सीख गए अलाइनमेंट अप्लाई करना। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं जी, कोई नहीं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। अगर मान लीजिए कोई नंबर फॉर्मेटिंग करना है, डेट का या टाइम का कुछ ऐसा फॉर्मेट करना है, तो आप यहाँ पे रेंज A1 या जो भी आप रेंज दीजिए डॉट नंबर फॉर्मेट, और कौन सा फॉर्मेट चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे डेसिमल का चाहिए तो डॉट परसेंटेज कर दिया, चाहिए तो मैं यहाँ DD/MM/YY कर दिया, जो कस्टम फॉर्मेटिंग में हम करते हैं वो सारा पार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर VBA प्रोग्रामिंग से जो हम लोग पूरी तरह से रिपोर्ट ऑटोमेट करते हैं ना, शुरू से जो रिपोर्ट बनता है तो उसमें हमें फॉर्मेटिंग भी बनानी पड़ती है, उसका यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हम अटेंडेंस का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मेट में आधा मैं बनाऊंगा और आधा आपको बनाना है। ठीक है गैरी जी? ठीक है। सबसे पहले एक नई सीट ऐड करेंगे, सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम, महीने के नाम से सीट ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई सीट ऐड हो गया, चलिए एक सीट ऐड हो गया, इसका नाम हो गया जुलाई, राइट। एक बार इसको वन बाय वन, जुलाई, उसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं मंथ, इसमें A3 तो रेंज A3 डॉट वैल्यू फिर यहां रेंज डॉट
ठीक है, रेंज मुझे इस महीने का फर्स्ट डेट चाहिए, तो यहां मैं लगाता हूं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ और इसमें मैंने दे दिया डेट कॉमा माइनस वन प्लस वन। अब ये क्या है, देखिए डेट क्या है, टुडे का फॉर्मूला। तो टुडे का फॉर्मूला से क्या हुआ कि करेंट सिस्टम डेट निकलेगा, फिर मैंने यहाँ पे ईओ मंथ का फॉर्मूला डाला और बोला माइनस वन, तो पिछले महीने की लास्ट डेट निकल गई। इसमें मैंने प्लस वन कर दिया तो इस महीने की फर्स्ट डेट निकल गई ना। तो सेम काम मैंने यहां किया है। फिर वापस मैं करता हूं रेंज इन हिंदी, हाँ बी थ्री से लेके बी थ्री नंबर फॉर्मेट इक्वल टू एम एन एम पर y, इसको देख लीजिए ठीक है। मैं बस जुलाई को डिलीट करता हूं, बन सकता ना, मैं इस माइक्रो को रन करता हूं ठीक है। ये बाद में इसको सही कर लूंगा। फिर मैं ए सेवन पे नेम लिखना चाहता हूं, तो रेंज ए सेवन डॉट वैल्यू रेंज बी सेवन, कुछ और लिखना है तो ठीक है वरना यहां पर छोड़ देते हैं, डॉट वैल्यू इक्वल टू मैं यहां पे फॉर्मूला लगाता हूं, फॉर्मूला बी थ्री फिर रेंज बी सेवन डॉट वैल्यू इक्वल टू इक्वल प्लस इक्वल बी सेवन प्लस वन ठीक है सर। अब देखिए क्या करेगा, मैं जुलाई डिलीट करके दोबारा से यहां पर हमने गलती कर दिया, डी सेवन नहीं हो सी सेवन। उसके बाद मुझे यहां पे इतना दो हो गया ना, दो से दो हो गया, तो मुझे यहां एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा इन आर एज ए लॉन्ग, और यहां हमें लेना है आर इक्वल टू यहां पे डे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट डेट डेट नहीं सॉरी ईओ मंथ था ना, ईओ मंथ के अंदर देंगे डेट कॉमा जीरो ताकि इस महीने में कितनी डेज है वो बता देगा। फिर मैं लिखूंगा रेंज स्टार्टिंग है हमारा सी सेवन और एंडिंग है रेंज सेवन डॉट ऑफसेट जीरो रो एंड कॉलन में हमने बोल दिया आर माइनस टू
डॉट फिल डाउन में होगा, फिल राइट होगा। अब एक बार इसको मैं दोबारा करता हूँ, तो मैं ये जो कोड, ये जो सीट बनाने का कोड है ना, इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि बाद में मुझे डिलीट ना करना पड़े। कहाँ तक गया? इसका डेट चेंज कर देता हूँ, 31 जुलाई, परफेक्ट है। लेकिन जुलाई जुलाई दिख रहा है ना, मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है। कैसे फॉर्मेट चेंज करेंगे? इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट। अब यहाँ C7 से नहीं B7 से चलेंगे और R को सिलेक्ट करेंगे और फिर राइट नहीं, यहां देंगे हम नंबर फॉर्मेट और उसमें डालेंगे सिर्फ D। एक वाई का छूट गया। अब देखिए इसको F5 करता हूं, हो गया सर? हो गया ना सर? हाँ जी सर, आ रहा है ना। अब इसी को उठाता हूं मैं, अभी इसको वापस मैं कॉपी करता हूं। इसमें मुझे कई सारे चीज करने पड़ रहे हैं ना, तो मैं बिथ कमांड लगा देता हूं। नहीं, बिथ कमांड अलग अलग है ना, बिथ कमांड लगा देंगे। अब इसमें मैं करता हूं B7 में A7 और R+1 कर देता हूं। नंबर फॉर्मेट के जगह पे मैं लिखता हूं एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट। इसे क्या होगा? मैं यार F5 रन करता है, F5 से ऑटो फिट हो गया ना। समझ रहे हैं सर? ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर जो है ऑटो फिट से, अब ऑटो फिट तो लगा दिया, लेकिन इससे पहले मुझे काम और करना है। मुझे इसके ऊपर जो है टेक्स्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं सबसे पहले करता हूं रेंज B6 वैल्यू या फॉर्मूला जो लिख लीजिए क्या होना चाहिए, मुझे इक्वल टेक्स्ट और यहां पे आना चाहिए B7, इसमें डबल इन्वर्टर कॉमा होगा क्योंकि मुझे बाहर एक इन्वर्टर कॉमा को प्रिंट करना है। ठीक है, और फिर वापस हम इसको कॉपी करते हैं और यहां पे -1 होगा। एक बार इसको रन करके देख लीजिए। ओ, इसने C7 सेलेक्ट कर रखा है, B7 किया इसको मैं।
अच्छा पहले से पहले टाइप हो गया था। ठीक है सर, तो ये जो कोड हमने लिखा इस कोड से क्या हुआ, यहाँ पे मंथ आ गया, यहाँ पे डेट डाला और डेट को हमने कॉपी पेस्ट भी करवा दिया, इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर दिया, फिर ऊपर हमने टेक्स्ट के फॉर्मूले लगा दिए और टेक्स्ट के फॉर्मूले के मदद से संडे मंडे आ गया, फिर उसको हमने ऑटो फिट करवा दिया। इस कोड में दिक्कत लग रही है आपको, ऐसा लग रहा है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं सर? ये लाइन मुझे समझ नहीं आ रही, जो आपने B7+1 लिखा है ना, रेंज C7.value equals to inverted comma में equals B7+1, ये कहाँ पे लगाया? बताता हूँ, ये फॉर्मूला लगाया ना सर यहाँ पे, देखिए B7+1। हाँ ओके, इसमें प्लस वन करना क्या था, इस चीज में मैनुअल कैसे करता, मैं मैनुअल क्या करता कि मैं इसको मैनुअल क्या करता कि हमने यहाँ पे मंथ लिखा, मर्ज किया, यहाँ आज की डेट डाल दी, यहाँ पे मैंने इक्वल किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है B3, यहाँ कोड दिख रहा होगा, हमने किया, फिर हमने क्या किया इसमें B+ कर दिया, वन कर दिया, एक काम क्या किया इसने किया, एक्चुअली है क्या डेट है, डेट है ना, हाँ जी, हमने क्या किया इसी को सिलेक्ट किया, इस महीना 31 दिन तक है ना, 31 दिन तक मैंने इसको सिलेक्ट किया, 31 तक सिलेक्ट किया और कंट्रोल आर कर, कंट्रोल आर कर, एक कोड क्या कर रहा, एक कर रहा, फिर राइट दिख गया C7 से लेके रेंज C7 R -2, आर क्या है कितने महीने में दिन है, हमने -2 क्यों किया क्योंकि मैं दो डेट तो लिख ही चुका हूं ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, समझे, दो डेट तो लिख ही चुका हूं ना, ओके। उसके बाद क्या हुआ कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग इस पे इसको सेलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक लगाया फॉर्मेट सेल के नंबर फॉर्मेटिंग में, और यहां पे दे दिया मैंने ट्रिपल दो टाइम डी, फिर नीचे वाला टैग क्या कर रहा है, एक टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा रहा है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया और इन्वर्टेड कॉमा में तीन बार डीडी डाल दिया, इस फॉर्मूला को लिखने के लिए हमने इस कोड का इस्तेमाल किया। अब इस कोड में क्या देखिए, हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, इसलिए किया ताकि बाहर भी इन्वर्टेड कॉमा को प्रिंट करें, समझे, ठीक है। उसके बाद हमने फिर जो जैसे मैं फिर राइट किया था इसको भी हमने फिर राइट कर दिया, और फिर हमने पूरे डेटा को लेके हमने ऑटो फिट कर दिया, इसको सिलेक्ट किया ऑटो फिट कर। अब आपको आगे जैसे कि यहाँ पे बॉर्डर लगा देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देना है, सैटरडे संडे को हाईलाइट करना है, और जो अटेंडेंस में होते हैं वो काम आपको खुद से करना है, ओके, ठीक है, इससे आगे काम आप खुद से करें, इस फॉर्मेट को पूरा करें सर, ठीक है जी।